सुपरस्टार शाहरुख खान और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी मुश्किल भरे दौर का सामना कर रहा है। वजह है शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 अक्टूबर के दिन आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था और 8 अक्टूबर के दिन ड्रग्स मामले को लेकर मुंबई के किला कोर्ट में सुनवाई भी की गई थी, लेकिन आर्यन खान की जमानत याचिका को उस दौरान भी खारिज कर दिया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान को 2 हफ्तों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस वक्त आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को की जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो आर्यन खान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्यन खान को लेकर काफी चिंतित और परेशान है पूरा ही परिवार। जहां एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि शाहरुख खान ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं, अपने बेटे को बाहर निकालने की लाख कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान, यहां तक कि शाहरुख खान ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं, खाना पीना भी छोड़ चुके हैं शाहरुख खान। दूसरी ही तरफ उनकी पत्नी यानी कि गौरी खान का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शाहरुख की बेटी सुहाना खान के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो गौरी खान के बारे में बातचीत की जाए तो गौरी खान अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। गौरी खान जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करेंगे गौरी खान के बारे में, कैसे गौरी खान ने हर एक मुश्किल का सामना किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ शादी के बंधन में बनने के बाद गौरी खान ने भी अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने पति शाहरुख की वजह से उन्होंने काफी कुछ सहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब शाहरुख और गौरी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। जी हाँ, गौरी ने मन बना लिया था कि वह शाहरुख खान से तलाक ले लेंगी, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई वजह हैं जब गौरी खान काफी ज्यादा परेशान हुई। शाहरुख की वजह से उन्होंने काफी कुछ सहा भी था। ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हैं जो शाहरुख खान से जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सेशन कोर्ट में 11 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली थी, अब वह 13 अक्टूबर को होगी। इसी के चलते आर्यन खान को अब कम से कम 3 दिन तक जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। इस मामले में एनसीबी को जवाब दाखिल करना था, जिसके लिए एनसीबी की टीम ने अब बुधवार तक का समय मांगा है। एनसीबी ने पेपर वर्क का हवाला देते हुए बुधवार तक जवाब दाखिल करने का समय मांग लिया है। दरअसल एनसीबी का कहना है कि अभी पेपर वर्क में कुछ काम बाकी है, जिस वजह से उन्हें समय लग रहा है। एनसीबी बुधवार सुबह 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करेगी। ऐसे में देखा जाए तो अब आर्यन खान को जेल में कुछ दिन तक और रहना पड़ेगा। इसी बीच देखा जाए तो शाहरुख खान और गौरी खान की जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गौरी खान जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, शाहरुख खान जो काफी ज्यादा विवादों का सामना किए हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें 25 अक्टूबर साल 1991 में शाहरुख खान गौरी खान के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहरुख खान गौरी खान के साथ 25 अक्टूबर साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे थे। 30 साल हो चुके हैं दोनों की शादी को, लेकिन आज भी दोनों का प्यार बरकरार है। लेकिन इन 30 सालों में शाहरुख और गौरी ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे गौरी खान ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा, अपने पति शाहरुख की वजह से उन्होंने कितना कुछ सहा। 7 ऐसी अफवाहों को सुनकर
गौरी खान जब टूट गई थी। बात की जाए यहाँ पर शाहरुख के अफेयर्स के बारे में, तो एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख का नाम जुड़ा था एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते थे। फिल्म डॉन 2 के दौरान शाहरुख और प्रियंका के लिंकअप की खबरें जब सामने आई, उस दौरान ऐसा कहा जाने लगा था कि इस वाक्य के बाद और ऐसा कहा जाने लगा था कि इस वाक्य के बाद प्रियंका हॉलीवुड में जाकर अपना लक आजमाने के लिए फोर्स किया गया था ताकि वह शाहरुख से दूर रहे। इन अफवाहों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी गौरी खान। कहा यह भी जाता है कि शाहरुख की उस हरकत से वह इतनी परेशान हुई, शाहरुख और प्रियंका की नजदीकियों से वह इतनी परेशान हुई कि दोनों के बीच तलाक तक होने की नौबत आ गई थी। इतना ही नहीं, दूसरी अफवाह ये है कि जब शाहरुख खान को लेकर अफवाह उड़ी कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, ये अफवाह रावण की शूटिंग के दौरान उड़ी थी। वहीं एक अफवाह ये भी उड़ी कि शाहरुख खान नए स्टार से चलते हैं। जब बीते पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उस दौरान एक अवार्ड शो का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें शाहरुख सुशांत का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, और उस दौरान अफवाहें उड़ने लगी कि शाहरुख नए एक्टर्स की कामयाबी से खूब चलते हैं। वहीं एक समय ऐसा आया जब अफवाह उड़ी थी कि शाहरुख खान के बेटे अब्राहम को लेकर। दरअसल कुछ सालों पहले शाहरुख खान सरोगेसी के जरिए पिता बने थे। नन्हे से अब्राहम को लेकर अफवाहें उड़ी थी कि वह शाहरुख के पोते हैं, यानी कि अब्राहम शाहरुख खान के बेटे नहीं बल्कि बेटे आर्यन खान के बेटे हैं। और एक इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने इस बात को उठाया और उस अफवाह को पूरी तरह से नकार दिया था। इतना ही नहीं, गौरी खान इन उड़ती अफवाहों से गौरी खान अंदर से टूटती हुई नजर आई। इसके अलावा शाहरुख खान को लेकर अफवाहें ये भी उड़ी कि फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम की सक्सेस के बाद अफवाहें उड़ी थी कि शाहरुख खान और फेमस फिल्म मेकर करण जौहर रिलेशनशिप में हैं। करण जौहर इस अफवाह पर अपना रिएक्शन भी दिए थे। करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कोई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शाहरुख खान को लेकर अफवाहें उड़ी कि वह बाइसेक्सुअल है। अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी के बाद भी शाहरुख को लेकर ये अफवाहें उड़ी थीं, और इन अफवाहों को लेकर शाहरुख खान ने भी अपना रिएक्शन दिया था। इन अफवाहों को सुनने के बाद गौरी खान भी काफ़ी हैरान हो गई थी, और इस तरह से गौरी खान इन तमाम अफवाहों से बुरी तरह से टूट गई थी। लेकिन आज गौरी खान एक बार फिर से टूट गई हैं, लेकिन इस बार गौरी खान अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। जैसे ही गौरी खान ने खबर सुनी कि उनके बेटे को बेल नहीं मिली है, उस दौरान गौरी कार में बैठी रोती हुई नजर आई। गौरी की उस हालत को देखकर हर कोई अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए भी देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से गौरी खान भी अपने पति शाहरुख की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान रहे, लेकिन ये प्यारी सी जोड़ी हमेशा ही एक दूसरे के साथ खड़ी रही। ये प्यारी सी जोड़ी हमेशा ही मिसाल देती हुई नज़र आती है अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग और अपने प्यार की। जब भी बॉलीवुड के गलियारों में बातचीत की जाती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लव लाइफ के बारे में, तो शाहरुख खान और गौरी खान का नाम टॉप पर आता है। आप क्या कहते हैं इस प्यारे से कपल के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।